बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीउल्ला कलासरा, मैं इन टाइम अपने तिली की फसल से मौजूद हाँ। मेरे नाल एंड डॉक्टर यासर अली। डॉक्टर साहब ये दसे सो इन टाइम तिली की फसल पिछु दिसदी पई है और ये पहला असा छट्टी आई तो उनते बाद ये सारा गंद है तो नाल तिली की फसल असा उन्हें तो क्या स्टार्ट करे सो क्या दे सो जी डॉक्टर साहब। मार साहब मेहरबानी सही शुक्रिया जी। बिल्कुल जी तुस आखे तिली की फसल पिछो सक नज़र भी आती पई है तो इन फसल के बीच ना जेडे वीड्स इन पिया कुजा जो आखते हैं वह भी बहुत ज़्यादा है पिया। अगर अस एक डिवाइड करूँ नुकसानात को तो त्रे बेसिकली चीज़ा अस ना जहन के बीच रखते हैं। सब तो पहले असं देते हैं वीड का इंपैक्ट जो नज़र आता पे तिली घाट तो कुजा ज़्यादा नज़र आता पे। दूजे नंबर से असं देते हैं इन उत्ते बीमारियों का इफेक्ट। त्रीजे नंबर से असं इन देते हैं इनसैक्ट का इफेक्ट। जी जी तो जो तिली दे विच जेड़ी खास तौर पर TH05 है जो अस झाड़ीदार सीड भी आते हैं तो उन्दे च सब तो ज़्यादा जो मेन मसला है वो इन वीड का है पिया जी नज़र दी भी पई है जो जड़ी बूटियां भी आते हैं इनका जो नुकसान है प्रोडक्शन के उत्ते सारी वे 14% बीमारियों की वजह तो जो नुकसान इन तो बाद अगली स्टेज के उत्ते जो वे लिया उनका जो इंपैक्ट है जी वह 11% है। इवें जो इनसैक्ट इन पे इनसैक्ट का जो इफेक्ट है वह आई वे 9 to 10%। अच्छा हूँ इन आने जिम्मे पूछे स्टार्ट के अर्ली स्टेज है पे अर्ली स्टेज के उत्ते हम सा करना चाहिए। सब तो पहले तो होइंग करनी चाहिए होइंग जड़ी बूटियां हैं इन्हों को कढ़ना चाहिए। कढ़ने तो बाद 30 to 35 दिहाड़ों के बाद असा इन आम तौर के उत्ते ना इरीगेशन कराने इरीगेशन तो बाद असा ना ही एकड़ दे विच अगर अद्धी बोरी असा यूरिया च दूँ तो अद्धी बोरी नाइट्रोफॉस दे दूँ तो जेड़ी प्रोडक्शन है सारे कहन इंदे तिली दे 15 जेड़ी है ना 15 मण पर एकड़ आसानी ना आवेंदी है। जी जी ते सारे जेड़े फार्मर हैं आम तौर पर अस सुनते हैं उन्होंने को शिकायत सुनते हैं जो आदि सारी जेड़ी प्रोडक्शन है 4 मण 5 मण आ गई है जी, जी, जी। या कोई वादा जी कोई ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन आवे 8 मण आवेंदी है 8 मण आला समझेंदे जी मेरी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। लेकिन आम तौर पर आम रूटीन के बीच इनकी जी प्रोडक्शन है वो 15 मण आराम ना ला पी। अच्छा जी एक पानी लग गए ऊ तो बाद जो मेन मसला तिली दे विच बढ़ सी वो जड़ा है ना वला भी वीड्स का थी सी स्टार्ट विच वला तिली भी निकल सी नाल जड़ी बूटियां भी निकल सन। वाल दूजी दफा जी वाल असा इंदी होइंग करे सोम होइंग दे विच असा जड़ी बूटियां कढ़े सोम वला दूजे पानी 60 to 65 जड़ी दीवार के बाद असा एक दूजा पानी ले सोम दूजे पानी के बीच असा ये ख्याल करना है जी अद्धी बोरी असा एक दे यूरिया ऊ तो बाद SOP अद्धी बोरी तो 2 किलो असा ना सल्फर गेन गेना है जी जी। इन त्रै मिक्सचर को असा 60 to 65 दीवार के बाद दूजे पानी के उत्ते असा एक देना है जी जी। जेड़े वेले स्टार्ट के बीच असा एक नाइट्रोफॉस दे दी है यूरिया भी दे दी है। अच्छा कुछ लोग ना सिरे मार से यूरिया दे देने अच्छा जेड़े वेले यूरिया देने उनका जेड़ा इंपैक्ट ये आंदे जेड़ी प्रोडक्शन है 15 की बजाय 10 to 11 मण के उत्ते आ पैंदी है। जेड़े आम रूटीन के भी यूरिया दे के वालों आदि जी सारी जेड़ी पैदावार है 8 मण आंदी पी है 9 मण आंदी पी अगर नाइट्रोफॉस या दूजे पानी के उत्ते सल्फर न दे सैन तो उनकी प्रोडक्शन डेफिनेटली घट थी सी। अच्छा जी ये थी गया इतना जी जी क्राप मेच्योर थी वैसी जी जी मेच्योर थी होने तो बाद इन उत्ते आम तौर पर फार्मर का जेड़ी शिकायत आती है वो ये है कि जी एक वायरस लग गए तुसा दिठा हुआ सी आम रूटीन दे भी जी सारी जेड़ी फसल है ना भोलू बढ़ना स्टार्ट थी गए जी जी उनका ये उनका इलाज इको है पिया स्टार्ट दे भी जेड़े वेले असा सीड गिनो बीज गिनो तो जो बीज साढ़े आला क्वालिटी का होना चाहिए ना कि ऐसा कोई फ्री का बीज कोलों या कोई जो आम तौर पर दुकान के उत्ते तक पता ही है 300 रुपये किलो मिलता है 250 रुपये किलो या आम तौर पर घर के बीच रखा हुआ होता है कुछ छाणा छाणा ला के तो फार्मर बेचारे सेल कर रहे हैं। अगर वो नाकिस बीज ले सूँ तो उनके जी फिलाइडी डिजीज को असं आते हैं फिलाइडी डिजीज जी जी बेसिकली फैटोप्लाज्मा की वजह तो थी है जी फिलाइडी या जो
आम जबान दे विच वायरस भी आते हैं या एक जड़ा है ना तो बटूर बढ़ मैंने आम जबान बटूर वो बटूर ना बढ़ से अगर ऐसा अच्छा बीज देसूँ तो आम तौर पर त्रै तो चार पानी तो पता ही है जी जी चार पानी दो तो उस तो बाद फिलहाल डॉक्टर साहब सही तू गंद कटवाने हैं बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जेड़ी किस्ता सी या नेक्स्ट तोगन पूछूं तो इन अगर जेड़ा थोड़ा जे मवाद है ना या चीज़ है ओ दित्या वैसे जी हाँ जी जी सही आदे पर अर्ली स्टेज दे उते मार से मून जेड़ी तारी फसल निजरदी पी जी दे उते तुसा एक काम करो ई किस्त दे विच जेड़ा है ना तो को बिल्कुल यो ही मैं सजेस्ट करे सा गंद कढ़ाओ जेड़ी ए स्टेज है पई जी जी ए क्रॉप आजकल जेड़ी आम रूटीन दे विच चलदी पी 20 तो 25 दिवारां दी चलदी पी है ठीक है 10 दीवारों बाद 15 दीवारों बाद ही को असा पानी देसूँ ऊ तो पहलो ई स्टेज के उत्ते गंद कढ़ो गंद कढ़ण की वजह तो जड़ा इन्हें तो को फायदा थी सी 15 to 20% तुहाडी प्रोडक्शन वध वे सी ऊ तो बाद पानी देसूँ पानी दे विच पर एकड़ के हिसाब नाल मैं जिवें स्टार्ट दे विच दसे अद्धी बोरी नाइट्रोफास अद्धी बोरी यूरिया अगर साडे फार्मर अप्लाई करे सैन तो इन जिहड़ी शील्ड है 15 मण पर एकड़ आराम नाल मिले से अगर कली यूरिया दीती रासन तो बल तो 11 मण पर जड़ी है ना एकड़ प्रोडक्शन आसी ठीक है मेहरबानी डॉक्टर साहब इतना आज तुसा मेहरबानी की है टाइम दिते वे साडे देखण वाले को आज तिली दी फसल दे बारे दसे वे शुक्रिया सी नेक्स्ट असा कपाह या बै दे बारे भी तुहाडे कोलो मालूमात की दी रासो सी ते इन एक दूजी एपिसोड जड़ी है ना अगली स्टेज दे उते मैं दा अगर एक तुसा इंदी अगली स्टेज दे उते एक भाई वीडियो दे दियो इंदी हार्वेस्टिंग तक दो तो त्रै वीडियो दे दे ते एक कंप्लीट सेटअप आवे सी फार्मर कोलो मेहरबानी सही मेहरबानी डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़।